नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक अभिलक करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहां पर आपके फिंगर का एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहां देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी दर्शाती है। इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाना, ग्रेट लेवल का ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग होना, हर बात के इनडेप्थ में जाना, बहुत ज्यादा सूझबूझ के साथ कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि लॉन्ग फिंगर में आप जैसे जातकों की जो बौद्धिक क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, इसीलिए हमेशा डिस्टर्बिंग या क्रिटिकल किसी भी तरह के सिनेरियो को इजिली हैंडल टेकल करते हुए देखने को मिलते हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर तरीके का प्रेशर एब्जॉर्ब कर पाने में, हर तरह की जिम्मेदारी ले पाने में, एक समय पर अधिक कार्य अच्छे ढंग से कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्लो सक्सेस लाइफ में होती है, लेकिन ग्रेट लेवल की सक्सेस गेन कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इसका एक कॉम्बिनेशन सूर्य पे भी दिखा था कि आपकी सन लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल हो रही है, जो आपको टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर डेफिनेटली लेकर के जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर उसके पहले जो एक प्रोमिनेंटली आइलैंड जैसा कॉम्बिनेशन बना है, ये इस बात को कन्फर्मेशन देता है कि अभी आपकी लाइफ में फिलहाल 1.5 साल और मेंटल स्ट्रगल प्रेशर बहुत ज्यादा रहने वाला है। एक तरीके से कार्य आपको बोझ जैसा लगने लगेगा। यहाँ पर प्रेशर ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण किसी भी तरह का रिलैक्सेशन, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, प्रमोशन, ये सारी चीजों में देरी देखने को मिलेगी, संतुष्टि इन सब विषयों में नहीं आएगा। ये प्रेशर से जैसे ही आप निकलेंगे अपने जीवन में, उसके बाद में ये सनलाइन काफी स्ट्रॉन्ग होकर के बायफोर के कॉम्बिनेशन में आई है, जो आपको टॉप पोजिशन अथॉरिटी पर भी ले जाएगी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आएगी आपकी प्रमोशन और वेल्थ जनरेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सन पे बायफोर्क होना इस बात को तय करता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके लाइफ में क्रिएट हो जाएगा। वेल्थ, इन्वेस्टमेंट और ओवरऑल लाइफ में रॉयल्टी, ये तीनों चीजें आपकी एक साथ जीवन में बढ़ते देखने को मिलेगी। लेकिन वो तब होगा जब इस तरह के प्रेशर से आप निकलेंगे, और भली भांति ये सब प्रेशर आप एब्जॉर्व करके निकल रहे हैं और निकल भी जाएंगे, तो वो होगा सिर्फ इन फिंगर के कारण। इस फिंगर में नेगेटिव बात सिर्फ ये होती है कि बहुत बार सटीक समय पर काम नहीं कर पाते हैं, टाल मटोल की आदत और ज्यादा इनडेप्थ जाने के कारण किसी भी काम में यह लेट निर्णय लेने की योगों को दर्शाता है, बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ लेकर के जाता है। तो इस कंडीशन में बहुत सारी चीजें लेट देखने को मिलती है, जैसे मैरिड लाइफ का सुख हुआ, बच्चों का सुख हुआ, किसी भी तरह के इंजॉयमेंट या किसी भी तरह के डिजायर को कम्प्लीट करने में डिले होना। तो इस चीज को ठीक करने के लिए आपको एक समय पर एक काम करने के साथ में लॉन्ग टर्म विजन गोल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने लाइफ में, और समयबद्ध होकर के ही अत्यधिक कार्य अपने जीवन में करना चाहिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टेबल और सक्सेसफुल डेफिनेटली रहेगी, पर्सनल लाइफ में थोड़ी डिफिकल्टीज आपको आ सकती है, जैसे वहां पर अपनी ऊर्जा व समय कम दे पाना। तो उस क्षेत्र पर अगर आप प्रोमिनेंटली ध्यान दे देंगे तो आपका फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ और करियर, हर तरीके की लाइफ में स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पर सूर्य आपको संघर्ष कराकर और तपा करके जीवन में बड़ा इंसान बनाना चाह रहे हैं। तो लाइफ में जो 1.5 साल अभी आ रहा है, ये एक तरीके का लेसन, ग्रेट लेवल का एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिटी चेक के लिए होने वाला है। इसलिए इन सब विषयों में घबराइएगा नहीं, चिंतित मत होइएगा, सन रेमेडी डेफिनेटली प्रेफर करिएगा, ताकि इन सारी चीजों में ज्यादा संघर्ष या बहुत ज्यादा परेशानी आपको झेलना ना पड़े। फिंगर के बीच में जब इस तरीके के गैप मेंटेन होते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी देता है। इस कंडीशन में हमेशा एनर्जी एक्सचेंज करना, नॉलेज के हिसाब से, एक्शन के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से स्ट्रांग देखने को मिलता है। इसलिए आप जैसे जातक स्वतंत्र विचार और खुले विचारों में से देखने को मिलते हैं, और ये कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में रिस्क टेकिंग नेचर देगा, और उसी रिस्क के कारण या इन्वेस्टमेंट के कारण बहुत ज्यादा पैसा आपके लाइफ में आने वाला है। लिटिल फिंगर की लेंथ 3rd फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहने वाला है। इस तरह के फिंगर में बिजनेस लक क्रिएट होता है, इसीलिए आपको साइड वर्क बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। इन सबके माध्यम से आपके जीवन में एक से अधिक माध्यम से धनार्जन होने के साथ में बहुत ज्यादा खुशी व आनंद भी आते हुए देखने को मिलेगा। तीसरी उंगली की लंबाई भी अच्छी है, जो आप जैसे जातकों को रिस्क टेकिंग नेचर देती है, थोड़ा क्रिएटिव पर्सनैलिटी देती है, यूनिक वे से काम करने की आदत को बढ़ावा देती है। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा अपने लाइफ में अपग्रेडेशन करते हुए, माइन्यूट लेवल पे हर चीज में चेंजेस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सूर्य की उंगली लंबी इस बात को दर्शा रही है कि अपने दम पर
सफल होने के योग आपके। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा लाइफ हर विषय में आपका होता चला जाएगा। जहां पर भी कंफर्ट आप तलाशने गए, वहां पर और ज्यादा स्ट्रगल या स्ट्रेस अट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड फिंगर जब भी इस तरीके से मर्ज होती है, झुकी हुई होती है या चिपकी हुई होती है, बहुत ज्यादा धार्मिक बनाती है, बहुत ज्यादा आप जैसे जातक आध्यात्मिक होने के साथ में दयालु देखने को मिलते हैं। आगे से लेकर के दूसरों की मदद करना, दूसरों का काम करना, हमेशा अपने कर्म में धर्म को जोड़ करके चलना, ये सब एक अच्छी नियत और ईमानदार किस्म के व्यक्तित्व को बढ़ावा देता है। फिंगर के ऊपर बहुत ज्यादा सीधी खड़ी रेखा नहीं है, जो इस बात को दर्शाए कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली टाइप या फ्रेंकली टाइप का आपका नेचर है। बहुत ज्यादा आप किसी भी तरह की क्वांटिटी को क्रिएट करने के बजाय क्वालिटी पे ध्यान देने वालों में से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपके कुछ ही रिश्ते देखने को मिलेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूती से काम करते हुए पाए जाएंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप अभी क्लियर कट नहीं है, ये समय के साथ साथ क्लियर होने के साथ में जो सटीकता से ऑन द स्पॉट निर्णय लेने वाली बात है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट तब होगी जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे या एक्सपीरियंस गेन करेंगे। फैलेंजेस की स्थिति, इंटरनल मार्स और शुक्र की स्थिति कुल मिलाकर के नॉर्मल है, किसी तरह की नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं है। स्टार्टिंग लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल ज्यादा आपको रहा, लो एनर्जी आपको समय के साथ साथ फील होते रहेगा, लेकिन किसी तरीके का मेजर हेल्थ इशू यहाँ पर नहीं दिखा है। थंब का साइज भी आपका नॉर्मल है और यहाँ पर थंब के ज्वाइंट पॉइंट में मांसल कम होने के कारण लड़ाई झगड़ा बहसबाजी या तनावपूर्वक स्थिति से दूर ही देखने को मिलते हैं। समाधान प्राप्त करने की या क्रिएट करने की प्रवृत्ति को इस तरीके का थंब इंडिकेट करता है। यहाँ पर बहुत क्लियर कट योग का साइन है जो आपको इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस भी बहुत बात देगा, और जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे, अपने काम में व्यस्त रहेंगे, अपने पैशन हॉबी को फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा पीसफुलनेस हैप्पीनेस लाइफ में आपके अट्रैक्ट होगा। तो रेगुलर बेसिस यहाँ पर मेडिटेशन करना प्लस अपने खुद का काम करना जिसमें थोड़ा आइसोलेटेड आप रह सकें, या आपकी जीवन ऊर्जा को, बौद्धिक क्षमता को और दैवीय शक्ति को, इन तीनों चीजों को यहाँ पर बढ़ा देने वाला रहेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वेरिश हैंड में आया है, जो एक हार्डवर्किंग नेचर की निशानी होती है। मेहनत चाहे मानसिक या शारीरिक किसी भी तरह से करने से आप जीवन में पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा में दूसरों के मसलों में पड़ने से आप बचिएगा, अपने आप को सही प्रूफ करने जैसी स्थितियों से बचिएगा, यहाँ पर आपका एनर्जी वेस्टेज होने वाला रहेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब इस तरह की आड़ी रेखा आती है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा लक्की बनाता है धर्म के विषय में। ये पुण्य इकट्ठा करने वाला एक ऐसा रेखा होता है जिसमें रास्ते में चलते हुए किसी की मदद करना, दान धर्म करना, अच्छी नियत रखना, ईमानदारी से पेश आना, ये इन्हीं सारी चीजों के कारण यह पुण्य को बढ़ा देता है। अब उन पुण्यों का लाभ आप जैसे जातकों को आपके बच्चों के द्वारा अथवा परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा भी प्राप्त होता है। इस कॉम्बिनेशन में हमेशा ये पाया गया है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या एनजीओ से आप जैसे जातक जुड़ते हुए देखने को मिलते हैं जिसमें समाज सेवा हो सके। पॉलिटिकल कनेक्शन होना, वीआईपी लोगों से कनेक्शन होना, बड़े लोगों से डील करना, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। आफ्टर 36 ये साइन बहुत ज्यादा एक्टिव होने के कारण फैमिली लाइफ एंड मैरिड लाइफ में सुख को बढ़ाता है, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है। पुण्य का असर मिलने के कारण सडन गेन एंड प्रोग्रेस भी लाइफ में देखने को मिलता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का ये भी एक प्रोमिनेंट साइन है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपके ज्ञान बल योग्यता को दर्शाता है, मानसिक बल को, विजडम को, तो इन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के कारण अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हैं और आगे से ऑफर्स भी बहुत अच्छे आते हैं काम में बढ़ोतरी के लिए। तो ये सारी चीजें आप 36 के बाद में फील करने वाले हैं और यही समय पर सबसे मेजर स्ट्रगल आपको रहने वाला है, जैसे कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर इतना ज्यादा आ जाएगा, वर्कलोड इतना ज्यादा हो जाएगा कि भागने का मन करने लगेगा, क्योंकि आइलैंड के साइन में सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, वो हमें फेस करना ही पड़ता है वो समय, और ये समय उद्धार का होता है। जितना ज्यादा आप प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हाई रखेंगे इस कंडीशन में, जितना ज्यादा कूल एंड कामनेस अपने अंदर रखेंगे, उतना ज्यादा सभी तरह की लाइन या साइन एक्टिव होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी, जो आपकी कैपेबिलिटीज को इतनी ज्यादा हाई कर देगी कि जो आपकी सोच है जहां तक पहुंचने की, उससे बड़े स्तर का लाभ आपको आफ्टर 1.5 ईयर मिलने वाला है। तो इसी कारण से इस जुपिटर पर आड़ी रेखाओं के अतिरिक्त रेक्टेंगल का साइन भी क्रिएट होना शुरू हो रहा है। अभी ये बिल्कुल कमजोर स्थिति में है, 30% ही डेवलप है। जैसे जैसे ये 1.5 साल बीतेगा, इसी तौर तरीके से ये साइन एक्टिव हो जाएगा जो प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ, खासकर लाइफ का स्टेटस, लिविंग स्टैंडर्ड,
ये सब तरह की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ते हुए और प्रोटेक्टिव वे में ग्रोथ करते हुए देखने को मिलती है। तो आपका जुपिटर कुल मिलाकर के अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, थोड़ा स्टार्टिंग में एंड में बीच में दबा हुआ है, जिसके कारण जिस तरह की नरिशमेंट मिलनी चाहिए थी, फैमिली से सपोर्ट मिलना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं ये कमी तो ला रहा है। लेकिन ये साइन साफ रूप से इस बात को दर्शा रहा है कि सही सजेशन, गाइडेंस, एडवाइस आपको मिलेगा और आप दूसरों को देते हुए देखने को मिलेंगे। जो व्यक्ति अच्छे सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव लेवल पर पहुंच जाते हैं, हाथ के नीचे जिनके बहुत सारे काम करने लगते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करें लेकिन टॉप पोजिशन अथॉरिटी पर पहुंचते हैं, तो ये साइन ऐसे क्रिएट होने लगता है। और यहाँ पर बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि अपने धर्म कर्म को तो आपको बढ़ाना ही है, लेकिन जुपिटर मेन कारक है ज्ञान के और आपके जीवन में खुशी के, तो खुशी का कारण भी जीवन में ढूंढते रहना है, कार्य करते रहना है। इसीलिए आइसोलेशन में रहना बहुत अच्छा रहेगा, अपने खुद के पैशन हॉबी के लिए और जुपिटर के लिए नॉलेज विजडम गेन करते रहना, यानी लर्निंग बढ़ाते रहना। सैटर्न माउंट पे क्लियर कट जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो लाइफ में मूड स्विंग्स के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। सैटर्न यहाँ पर आप जैसे जातकों को बहुत बार अकेला भी करते हैं, अकेले में जैसे इंजॉय कर लेना ये हॉबी तो हो जाती है, लेकिन बहुत बार लोनलीनेस या सैडनेस भी आती है। यहाँ पर इस कंडीशन में कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजन ज्यादा लेने नहीं चाहिए, इमोशनल रिएक्ट ज्यादा नहीं करना चाहिए। हर चीज के पीछे किसी ना किसी तरह का तथ्य व कारण छिपा रहता है। जितना ज्यादा इमोशन स्टेबिलिटी आप मेंटेन कर लेंगे उतना ज्यादा आपका लक फैक्टर इम्प्रूव होता जाएगा, क्योंकि हमारा जो लक लाइन है ये डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्ट करता है और जब इस दर पर किसी भी कारण से आड़ी रेखा होती है तो हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण, गलत निर्णय के कारण या बहकने के कारण डायरेक्ट हमारे करियर लक पे अफेक्ट पड़ता है। तो इस कंडीशन में जो आप प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, डेली मंदिर जाना शुरू करेंगे, साथ ही साथ दान धर्म जैसी चीजों को बढ़ाएंगे, तो इन सब तरह के काल आपके जीवन से अपने आप हटने शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज आपकी अगर लक लाइन को देखें तो ये काफी स्टेबल लक लाइन है, दोनों पाम में आपकी मून लक लाइन काफी एक्टिव है, जो आपको बाहरी दुनिया लोगों से बहुत ज्यादा लाभ दिलाने वाली है, मन की तकरीबन सभी तरह की इच्छा को पूरी करने वाली है। इस कंडीशन में अननोन से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, लाभ मिलता है, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ और सेटलमेंट 100% देखने को मिलता है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, ट्रैवलिंग्स बहुत ज्यादा होना लाइफ में और फॉरेन ट्रैवलिंग के योग और ट्रैवलिंग के दौरान ही सक्सेस होना, ये सब इस कंडीशन में आता है। पहले तो मदर लक अच्छा रहता है, देन आफ्टर स्पाउस लक अच्छा रहता है इस कंडीशन में। तो चंद्रमा यहाँ पर आपके मन के कारक हैं और मन की सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी का ध्यान देना। अब जैसे सैटर्न एंड सन के मिड में जो इस तरीके का आकृति बनता है, इस कंडीशन को कहते हैं लूप ऑफ सीरियसनेस, जिसका तात्पर्य होता है अगेन भीड़ में है तो अकेले रहने का मन करेगा, बहुत ज्यादा हंस लिए हैं तो रोने का भी मन करेगा। इस कंडीशन में इमोशन, फीलिंग, मेंटेलिटी, थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहना है, बहुत ज्यादा चीजों को अपने पर हावी होने नहीं देना है, बहुत सारी चीजों में एक समय पर इन्वॉल्व नहीं होना है। जितना ज्यादा सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे से आप काम करेंगे, अपने आप को समय देकर के बाकी सब तरह के कार्य में लिप्त होंगे, उतना ज्यादा ये साइन आपको ग्रोथ करने में मदद करेगा। ये डिस्टर्बेंस तभी देना शुरू करता है जब आप जैसे जातक अपने से अलग होना शुरू होते हैं। सैटर्न के इन्वॉल्वमेंट के कारण और सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण जब जब आप अपने डीप सीक्रेट्स या डिजायर रिवील कर देंगे, वो काम नहीं होगा, होगा भी तो बहुत तकलीफ से होगा। लक लाइन आपका अच्छा है, इस कारण से आपको सपोर्ट, अपॉर्चुनिटीज जैसी चीजें बराबर लाइफ में मिलेगी। लेकिन इस लूप का तात्पर्य ही यह है कि जितना ज्यादा गुप्त रहा जाए उतना ज्यादा लाइफ बेस्ट बेटर होती चली जाती है। सैटर्न माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइन्स और अवेलेबल हो रही है जो टेम्परेरी बेस अपॉर्चुनिटी लाइफ में लाएगी अर्निंग के लिए, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी आपको देगी, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट में ज्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं होना है और खासकर आपको तीन बार लाइफ में सावधान रहना है। ये राहु रेखा एक्चुअल में जब लक लाइन को कट करती है तो फाइनेंशियल लॉस इसका मेजर ऑब्जर्वेशन होता है, मेजर सेंटर होता है कि आपको नुकसान धन के विषय में मिले। तो इस कंडीशन में सभी का मेडिक्लेम मेंटेन रखना, किसी नए तरीके का काम इस पीरियड में नहीं करना, सेविंग्स प्रॉपरली मेंटेन रखना, इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपरली मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब जब इस तरह की वरी लाइन क्रिएट होती है तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा वरी और आवेश में आकर काम करने जैसी चीजों से बचना चाहिए, इल्यूजन में आकर काम करने से बचना चाहिए। तो ये समय आपके लाइफ में जो आने वाला है 37 का है,
39 से लेकर 40 के मिड का है और देन आफ्टर आपको 44 से लेकर 46 के मिड का भी है। इन तीन पीरियड में आप सावधान रहेगा तो आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल ट्रबल प्रॉब्लम या हेल्थ वाइज भी इशू नहीं आने वाला है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म गेन्स पे ही ज्यादा बेनिफिट आपको है और उसी पे आपको ध्यान देना है। लक लाइन जब इस तरीके से जुपिटर की तरफ भी स्लाइडली झुकती है तो इस कंडीशन में रेगुलर प्रोग्रेस अपग्रेडेशन लाइफ में देखने को मिलता है, वो सब एक्टिव आपको 36 के बाद ही होने वाला है। इसके बाद में सैटर्न एंड सन के मिड से जो रेखा आई है इसे विद्या रेखा कहते हैं। कंसल्टेशन एज अ मीडिएटर एज अ एजेंट किसी भी तरह के काम से लाभ बहुत मिलता है, यानी आप जैसे जातकों का ज्ञान कर्म धर्म योग्यता दूसरों के काम बहुत आता है, इसीलिए सजेशन एडवाइस करना आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा फरता है। यहाँ पर आपकी जो सन लाइन है ये प्रोमिनेंटली आपकी लक लाइन को क्रॉस करके लाइफ लाइन से ही निकली हुई है और इसका तात्पर्य होता है कि अपने दम खम से अपने खुद के मेहनत और योग्यता के बलबूते पर बहुत ज्यादा सम्मान कमाना, सरकार से लाभ प्राप्त करना, बड़ा पद सम्मान लेना, इज्जत सम्मान शोहरत सिक्योरिटी जैसी चीजों को गेन करना। ये सन लाइन जब भी लक लाइन को कनेक्ट करती है तो धन और पावर स्ट्रेंथ ये दोनों चीजें एक साथ जीवन में बढ़ती है। यहाँ पर लक लाइन में सिर्फ दिक्कत ये हो गई सन के कि ये आपके सन माउंटेड डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ये साफ रूप से दर्शा रहा है कि एन वक्त पर आकर के काम का बिगड़ना जीवन में देखने को ज्यादा मिलेगा। डिजायर्ड रिजल्ट गेन करने में डिफिकल्टीज स्ट्रगल लेट लतीफी जैसी चीजें आएगी। यहाँ पर ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग जैसी चीजों से बच के रहना है, ओवर बर्डन किसी भी चीज का नहीं लेना है, एक समय पर अत्यधिक काम करने जैसी चीजों से भी सावधान रहना है। तो जितना ज्यादा फोकस रहेंगे कंसिस्टेंट रहेंगे लॉन्ग टर्म विजन पर काम करेंगे आपका सन तो ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। इस सन लाइन में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है कि आपको पूरे के पूरे हेड जो आपका क्वार्टर है या बहुत बड़े सेंट्रल लेवल पे आपको किसी भी तरीके का पद सिंहासन ये साइन वो लाइन दे सकता है, पर उसके लिए जो मेन यहाँ पर हमें इशू दिखाई दिया है वो आइलैंड का ही है। तो ये स्ट्रगलिंग समय जैसे ही बीता वैसे ही ये सब साइन लाइन एक्टिव होंगे और बायफोर्क का साइन तो आपके बुध की तरफ भी झुका हुआ है जो रईसी को दर्शाता है। जब नौकर चाकर जीवन में बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट जब हो रहे होते हैं तब जाके इस तरीके के साइन लाइन आ जाते हैं। कॉन्टेक्ट रिलेशन कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं उनसे जब लाभ मिलता है तो भी ये साइन आ जाते हैं। तो सन पर भी मल्टीपल लाइन्स हैं जो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग देगा, लेकिन जो डिस्ट्रेक्शन लाइन है यहाँ पर जो अभी से आना शुरू हो रहा है जो डिटेचमेंट काम के विषय में देना शुरू करेगा, प्रॉपर ग्रेटिट्यूड रिवॉर्ड अवार्ड अपग्रेडेशन जैसी चीजें अभी आने वाले समय में नहीं मिल पाएगी, जो अन्याय महसूस होगा यहाँ से डरना घबराना नहीं है। जिस तरह की तनख्वाह मिलेगी उससे कहीं गुना ज्यादा काम भी करना पड़ेगा वो करने से पीछे मत हटिएगा। बस मर्करी माउंट पे मल्टीपल लाइंस इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ देती है, कम्युनिकेशन में मास्टर देती है, आप जैसे जातक दूसरों को हील कर पाने में मैनिपुलेट और कन्वेंस कर पाने में अच्छे देखने को मिलते हैं। इस तरह के मर्करी में इन्वेस्टमेंट इसलिए आता है क्योंकि मर्करी यहाँ पर अपनी बुद्धि व्यापार के तौर पर बहुत अच्छा चलाता है, इसीलिए शेयर मार्केट के थ्रू किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू इस तरह की लाइंस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा देती हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मेंटेलिटी एंड इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलता है जिसके कारण आईक्यू लेवल इंटेलिजेंसी जैसी चीजों को ही बढ़ाता है। माइंड लाइन पे भी हम देखने जाएं तो धीरे कर आपकी माइंड लाइन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या लॉन्ग होती जा रही है, जिसका एक ही तात्पर्य होता है कि आप अपने एजुकेशन लर्निंग बुद्धिमत्ता जैसी चीजों को बढ़ाने वाले हैं, जिसके कारण यह माइंड लाइन सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी क्रिएट कर रहा है। आउटर मार्स से कनेक्ट करने के कारण विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना हिम्मत से कर पाते हैं और वही चीज यहाँ पर मरकरी डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए आपको बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ डेफिनेटली जाना चाहिए लेकिन आफ्टर 2026। इसके बाद यहाँ पर आप अपने मस्तिष्क रेखा में देख सकते हैं कि यहाँ पर द्वीप की आकृति बहुत कम उम्र में बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण यह बचपन में मानसिक तनाव घरेलू परिस्थिति के द्वारा तकलीफ परेशानी रिश्तों में भी तनाव को दर्शाता है। मंगल की रेखा जब इस तरीके से काट करके जा रही हो तो एग्रेशन भी चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, फ्रस्ट्रेशन भी इंक्रीज इस तरह के कॉम्बिनेशन कराते हैं, लेकिन एट द एंड हुआ यह कि आपकी माइंड लाइन स्मूथली स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट होकर के आगे की तरफ बढ़ी और मल्टीपल ब्रांचेस पहले राहु की तरफ से भी आए जो इल्यूजन देने के साथ में बहुत ज्यादा
भटकाने के योगों को निर्मित करते हैं 32 से 36 के मिड में। यही सारी रेखाएं एट द एंड अपॉर्चुनिटी बनके आगे की तरफ बढ़ती चले जा रही है, जिसके कारण ऑर्गेनाइज वे से किसी भी तरह के काम को कर पाना, मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो पाना, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाना और एट द एंड सटीक निर्णय लेने के कारण सफलता प्राप्त करना, ये सब चीजें आफ्टर 37 आपकी लाइफ में इंटर करने वाली है। यहाँ पर डेफिनेटली मेंटल पीसफुलनेस को हार्म पहुंच रहा है, लेकिन आफ्टर 37 किसी तरह का डिस्टर्बेंस आपके पूरे माइंड लाइन में नहीं है। तो ये मेंटल पीस हैप्पीनेस स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है, जिसमें हर तरह की योजना निर्णय सूझबूझ के साथ किए गए काम में सफलता प्राप्त होती है। लाइफ लाइन में आप देख सकेंगे मल्टीपल ब्रांचेस नीचे की तरफ आए हैं। इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों से बिछड़ना भी पड़ता है, लेकिन इसने गार्डियन एंजल लाइन भी कहते हैं, जिसके कारण दूसरों के द्वारा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांगली क्रिएट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आफ्टर 31 आपका सपोर्टिव लाइन बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है और इसने वरी लाइन को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है। इसी कारण से आपके जीवन में चिंताएं तो आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावित नकारात्मक रूप से आपको कर ना सकेगी। पहली जो सबसे स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन या सेल्फ मेड लक लाइन निकला है वो करेक्ट 36 के बाद में है। फिर दो दो साल के अंतराल में प्रोग्रेस लाइन आपकी निकलते चले जा रही है, जो कंटिन्यू एफर्ट्स के द्वारा होने वाले सक्सेस को, अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओवरऑल स्मूथनेस आपके लाइफ में आफ्टर 38 आने वाला है। एक से ज्यादा जगह पर ट्रैवलिंग या रेसिडेंस जब होता है तो इस तरीके का बायफोर कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है और लाइफ लाइन पूरा शुक्र की तरफ झुका हुआ, जिसके कारण लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, लग्जरीज, रॉयल्टी, कंफर्ट लेवल को ये बढ़ाने वाला है। अगर यह तिल का साइन है तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ में इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल देखने को मिलता है, प्लेजर फुलफिलमेंट में डिफिकल्टीज आती है। इसीलिए शुक्र रेमेडी यहाँ पर करना जरूरी है, क्योंकि जो वरी लाइन है वो धीरे धीरे कर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, जिसके कारण घरेलू जीवन को लेकर के चिंताओं को ये बढ़ाएगा और इस कंडीशन में सुख सुविधा संसाधन होने के बावजूद भी पूर्णतः उनको भोग पाना, लाभ उठा पाना यहाँ पर फिर कम देखने को मिल रहा है। तो शुक्र रेमेडी करना जरूरी है, जुपिटर को और स्ट्रांग करना जरूरी है ताकि ये सब इश्यूज देखने को ना मिले। अदरवाइज आपके पास एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, बहुत अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐश्वर्य भरी जिंदगी रहने वाली है। यहाँ पर जो मेन तीन वरी लाइन अवेलेबल हुई है वो करेक्ट यहाँ पर 34 से लेकर 36 के ही मिड में है। तो इस पीरियड में आपको आप हेल्थ को लेकर के ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। किसी तरीके का भी रिस्क जो बार बार मेंशन किया गया है वो लेने से बचना है और यहाँ पर राहु का भी सजेशन एंड रेमेडी आपको भेजा जाएगा। केतु की तरफ से भी जब लक लाइन क्रिएट होता है तो यह पितृ पूर्वज के द्वारा मिला हुआ आशीर्वाद होता है, जिसमें सडन गेन, प्रोग्रेस, लक, वेल्थ लाइफ में क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है। मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट होने के कारण पैसा रुक पाना, टिक पाना, सदुपयोग हो पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, जिसके कारण यहाँ जो रेक्टेंगल का साइन भी आ रहा है ये दर्शाता है कि प्रॉपर्टीज के माध्यम से और किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ये बहुत ज्यादा वेल्थ को इंक्रीज करने का साइन होता है। ये साइन प्रोमिनेंटली आफ्टर 40 आपका एक्टिव होने वाला है, लेकिन इसके सिग्निफिकेंस तो 38 के एज के लमसम में ही आए हैं। ट्रायंगल के साइन में नया घर ले पाना, नया विला क्रिएट कर पाना, नए स्तर पर लाइफ को क्रिएट कर पाने के साथ में ग्रेट लेवल का इन्वेस्टमेंट कर पाना, इसको ये कन्फर्मली यहाँ दर्शा रहा है। यही चीज देखने जाए हम लेफ्ट हैंड में तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि आपकी जो लक लाइन है माइंड लाइन से थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांग होते हुए बायफोर के कॉम्बिनेशन में अवेलेबल हुई है और यह कॉम्बिनेशन भी व्यक्ति को लक्की बनाता है। स्टार का कॉम्बिनेशन अच्छा सम्मान और समाज में शोहरत दिलाने वाला होता है और मरकरी लाइन यसन लाइन की कंडीशन में भी स्क्वायर जैसा साइन प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो करियर वाइज, लक वाइज, अर्निंग वाइज सब कुछ समय आपके सहयोग में आने जा रहा है और दोनों हथेले में शुक्र को अच्छा एरिया मिलने के कारण यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत कर रहा है, जीवन ऊर्जा को बढ़ा रहा है। गलत संगत, आदत, लोग जैसी चीजों से बचिएगा, इस तरह की रेखा किसी भी तरह का एडिक्शन दे सकती है। ओवरऑल एक से ज्यादा सोर्स से अर्निंग क्रिएट होने के चांसेस मरकरी लाइन भी यहाँ पर क्रिएट कर रही है। हार्ड वर्किंग टाइप का आपका नेचर है, कम रिसोर्सेज में भी अच्छी लाइफ जी सकने में सक्षम है। जितना ज्यादा आप इस समय पर अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने ऊपर विकास करेंगे, अपने नेचर, क्वालिटी, पर्सनैलिटी, मेंटेलिटी सभी चीजों पर, उतना ज्यादा गुना शुभ आपको परिणाम 2026 के बाद में मिलने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।